के मसले से नुकसान का कोई विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उनको पद से और पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो मैं तो यह मानता हूं कि बसपा को हो रहा है, क्योंकि बसपा ने मतलब दयाशंकर सिंह जी से भी बड़ी गलती की थी और उनके महासचिव की उपस्थिति में जिस प्रकार से बहन बेटियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो केवल दयाशंकर जी की बेटी का प्रश्न नहीं बल्कि इस देश की हर बेटी हर बहन का प्रश्न है। और ऐसा अपराध करने वाले का संरक्षण स्वयं बहन मायावती जी कर रही हैं, स्वयं श्री अखिलेश जी कर रहे हैं। कानून के अनुसार कार्रवाई करके कल मेरी जानकारी में आया कि श्री दयाशंकर सिंह जी को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बसपा को किस बात का पुरस्कार दे रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये सवाल उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा सरकार के समक्ष है और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ क्या कार्रवाई करे। ऐसा मिला कौन है वो जनता जानती है, बुआ और भतीजे की रोज़ बात होती है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों गुंडों को बढ़ाते हैं, अपराध को बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं और उत्तर प्रदेश इसके कारण पिछड़ गया है। मेरा ये मानना है कि देश के अन्य राज्य जहाँ भाजपा की सरकारें हैं 24 घंटे बिजली मिल रही है, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और इसका कारण सपा और बसपा है। इन लोगों ने अगर 14 वर्ष से उत्तर प्रदेश में शासन के अंदर मौका ना पाया होता तो शायद उत्तर प्रदेश भी आज गुजरात की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह, राजस्थान की तरह, कर्नाटक और आंध्र की तरह वो उत्तर प्रदेश भी विकास के पथ पर आगे होता।